मार्चर में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को अति महत्वपूर्ण एक आदेश जारी किया गया है 10/11/2023 को, मानदेय को लेकर आदेश जारी किया गया है अक्टूबर माह के मानदेय को लेकर, जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो दो आपको आदेश दिखाने वाला हूँ जो लोक शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को फिक्स मानदेय देने की बात की गई, इसमें 18,000, 14,000, 10,000 रुपये और जल्द ही भुगतान करने की मांग की गई। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ, दो आदेश दिखाने वाला हूँ। वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाएंगे। कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी अति आवश्यक आदेश पीटीओ भेजी गई है संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला। विषय है अतिथि शिक्षकों को अक्टूबर 2023 से मानदेय देयक प्रस्तुत करने के संबंध में। संदर्भ लोक शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 288/5/10/2023। उपयुक्त विषय एवं संदर्भ पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि शैक्षण सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शासन द्वारा वृद्धि की गई है। मानदेय कालखंड स्थान पर मासिक मानदेय भुगतान वर्ग 1, 2, 3 में क्रमशः 18,000, 14,000, 10,000 रुपये किया जाना है। इस हेतु माह में कार्य दिवसों की संख्या शैक्षण कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उपयुक्त परिप्रेक्षकों में संकुल प्राचार्यों के लॉगिन पर मानदेय मॉडल्स में अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट करने हेतु GFM पोर्टल पर प्रपत्र अनुसार जानकारी अपडेट करें एवं भुगतान माह में कुल दिवस की संख्या एवं उपस्थिति दिवसों की कुल संख्या दर्ज कर मानदेय जनरेट कर देयक इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। लोक शिक्षा विभाग भोपाल पत्र क्रमांक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर दे रखे। ठीक है, यह है लोक शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया था। प्रति जो भेजी गई थी प्रबंधक संचालक MPSEDC भोपाल। विषय अतिथि शिक्षक पोर्टल में मानदेय मॉड्यूल्स को अपडेट करने के विषय में। इसमें उपयुक्त विषय शैक्षण सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय के शासन द्वारा वृद्धि की गई। मानदेय कालखंड के स्थान पर मासिक मानदेय भुगतान वर्ग 1, 2, 3 को क्रमशः 18,000, 14,000, 10,000 रुपये किया जाना है। इस हेतु माह में कार्य दिवसों की संख्या शैक्षण कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उपयुक्त परिप्रेक्ष्यों में संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर मानदेय मॉड्यूल्स के अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट करने हेतु GFM पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी अपडेट की जाएगी। इसमें क्रमांक, भुगतान क्रमांक, अतिथि शिक्षक का नाम एवं यूजर नेम, विद्यालय का नाम एवं डैश कोड नंबर और अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2 जिसमें भी कार्य करते हैं, माह के कुल दिवस, ठीक है, संख्या, उपस्थिति दिवस संख्या और माह के मानदेय की कुल राशि। इसमें जैसे माह में कुल दिवस, कार्य दिवस है 19 जिसमें से 18 दिन उपस्थित रहे उसकी पूरी राशि। कृपया उपयुक्त सुविधा GFM पोर्टल में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। TS कुशवाहा संचालक लोक शिक्षा विभाग की ओर से अतिथि शिक्षक